आज हम बनाएंगे सॉफ्ट सॉफ्ट फूले फूले ब्रेड कुलचा, जो एकदम ईजी है, बनाने में एकदम आसान है। जैसे छोले कुलचे मिलते हैं ना दिल्ली वाले, बिल्कुल वैसे बनाएंगे। एकदम आसान है, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बोल में मैदा ले लिया है। मैंने यहाँ 2 कप मैदा का इस्तेमाल किया, आपको जितना बनाना हो उतना ले सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालेंगे। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है तो हमें इसे ड्राई ही डालना होता है, दूध में डाल के ऐसे मिक्स नहीं करना होता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। जब ईस्ट डालें तो हमें गुनगुने पानी से ही डो लगाने होते हैं, हल्के गर्म पानी से, ताकि ईस्ट अच्छी तरीके से फूले। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका अच्छा सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। डो सॉफ्ट लगाएं, गीला ना लगाएं, लेकिन हाँ अच्छा सॉफ्ट डो लगा के तैयार करें ताकि कुलचे सॉफ्ट बने। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे ताकि अच्छा स्मूथ हो जाए। और डो को मैंने अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया, ये देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। अब हम इसे टक कर लेंगे, ऐसे अंदर की तरफ डो को फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे ही ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे गर्म जगह पे, ताकि अच्छे से फूल जाए। और 1 घंटे हो चुके हैं, डो हमारा बहुत अच्छे से फूल गया, ये देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी पहले से दुगुनी हो गई है, काफ़ी हल्का हो गया है ये। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा तेल लगा लें और डो को एक बार अच्छी तरीके से और गूंथ लें, मसल मसल कर स्मूथ कर लें। और ये देख सकते हैं कितना हल्का हो गया ये, बिल्कुल डो बहुत अच्छे से फूल गया है। कुलचा बनाने के लिए डो हमारा बिल्कुल तैयार है। फटाफट से इससे हम लोइयां बना लेंगे। कुलचे थोड़े बड़े बना रही हूँ मैं, तो थोड़ी सी लोई मैं बड़ी बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ी छोटी या बड़ी ले सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो। अब हम एक लोई को उठाएंगे और ऐसे चकले पे रख के थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। मैं इसे लंबाई में रोल कर रही हूँ, आप चाहें तो गोल या जैसे चाहें वैसे पसंद, जैसे आप करते हो वैसे रोल कर सकते हैं। मैं जैसे कुलचा मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से रोल कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था, तवा बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम लो कर दें। अब हम इसके ऊपर कुलचा डाल देंगे और इसे एक साइड से 2 मिनट के लिए सिकने देंगे। जब ये सिक जाए तब हम इसे पलट लेंगे। हमें इसे अलट पलट कर अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सिक जाने देना होता है, ताकि ये कच्चा ना रहे, क्योंकि ये मैदे का है तो इसे सेकने में, एक कुलचा सेकने में 4 मिनट का समय लग जाता है, 5 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पे ही सेक रहे हैं। तो अच्छी तरीके से अलट पलट कर सेक लें और ये देख सकते हैं कुलचा बहुत अच्छे से सिक गया है और काफ़ी मोटा भी दिख रहा है, क्योंकि अच्छे से फूल गया है। इसी तरीके से हम सभी कुलचे को सेक के तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी से कुलचा सिक जा रहा है। मैंने यहाँ तवा थोड़ा बड़ा था तो एक बार में 2-2 कुलचे सेक के तैयार कर लिए हैं। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट ब्रेड कुलचा बन के तैयार हो गया है। आप इसे पनीर या छोला कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आप पसंद करते हो। आप इस कुलचा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।